डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा. दिस इज द सेकंड ईयर क्लास. यू जस्ट पास आउट द फर्स्ट ईयर. इन द फर्स्ट थिंग वी सी दैट बॉटनी हैविंग द थ्री पेपर. फर्स्ट इज ऑफ द जिम्नोस्पर्म. पहले पेपर में जिम्नोस्पर्म पढ़ा जाएगा. सेकंड पेपर के अंदर डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स अर्थात टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे. और थर्ड में एम्ब्रियोलॉजी रहेगी जिसका नाम है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स. जहाँ तक इस पेपर का सवाल है डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट एंडोस्पर्म, यानी कि टैक्सोनॉमी सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ये सेकेंड पेपर रहेगा. ये वही पुरानी स्कीम है कि तीन तरह के सेक्शन रहेंगे ए बी सी और पांच यूनिट का बना हुआ सिलेबस है. फर्स्ट यूनिट के अंदर ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के. सेकंड में एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे. थर्ड में क्लासिफिकेशन जो अलग अलग वर्कर्स ने दिए उसको पढ़ा जाएगा. देन फिर लास्ट की जो दो यूनिट्स रहेंगी वह फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेसीज व फैमिलीज है उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि किस किस तरह के इसमें फ्लावर पाए जाते हैं. इन सब के पहले के लिए हमारे ये ज़रूरी है कि फ्लावर के बारे में हम पढ़ें कि फ्लावर क्या है. व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर के लिए कहा जाता है कि इट इज़ द मॉडिफाइड शूट. रूपांतरित प्ररोह को हम फ्लावर कहते हैं. अर्थात जो शूट है ज़मीन के अंदर वाला पार्ट रूट कहलाता है. ऊपर वाला शूट इसमें लीफ स्टेम तथा अन्य पार्ट्स शामिल हैं उसका मॉडिफाइड रूप ही फ्लावर है. धीरे धीरे स्टेम कंडेंस हो जाता है और देन ये हम सारा फ्लावर मॉर्फोलॉजी कंसेप्ट में पढ़ेंगे. कंडेंस हो जाता है और फिर अलग अलग फ्लावर के पार्ट बनते हैं. तो क्वेश्चन है कि फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शूट दैट इज डिटरमाइंड हैज़ ए मॉडिफाइड स्टेम विद कंपाउंड इंटरनोड्स पजेज मॉडिफाइड लीव्स एंड विद वेरियस फंक्शन ऑफन क्लस्टर्ड इन एज एन इनफ्लोरेसेंस. पुष्प क्रम के रूप में ये इकट्ठा रहता है फ्लावर पार्ट. नॉर्मली आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि इस तरह से फ्लावर का ये स्ट्रक्चर होता है. रिसेप्टेकल, सेपल, पेटल्स, कार्पल्स, स्टेमेन, ओवेरी, स्टाइलिस्टिक्मा, पेटल्स, ये एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमेन टोटल कहलाएगा. इस तरह के फ्लावर का स्ट्रक्चर है. अब हर स्ट्रक्चर को डिटेल में लेंगे तो ये इस तरह का है. सबसे पहले हम नंबर वन बता रहे हैं कि पेडंकल. पेडंकल फ्लोरल स्टोक कहलाता है. पुष्प ग्रंथ ये स्टेम को सपोर्ट करता है और फ्लावर उस पर अटैच रहता है. समटाइम्स इसको पेडिसिल भी कहा जाता है. दूसरे पर हम देख रहे हैं रिसेप्टेकल. ये मॉडिफाइड फ्लोरल स्टेम है. इसकी जो यहाँ से फ्लावर के अन्य पार्ट या मॉडिफाइड लीव्स अरेंज होते हैं जो कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है नंबर दो पर. तीसरा सेपल्स. ये आउटर वॉल है लीव्स का जो ग्रीन और प्रोटेक्शन इन फंक्शन है इसको कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है. इस तरह से ये वाला जो थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है इस तरह से. चौथे नंबर पर जब हम देख रहे हैं तो ये पेटल्स हैं. ये इजीली दिख जाएंगे एंड सेकंड वॉल्स ऑफ लीव्स कह सकते हैं इसको. सामान्यतः ब्राइट इन कलर होते हैं. इस वजह से पोलिनेटर जो इंसेक्ट वगैरह है इस पर तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और ज्वाइंट फॉर्म में इसको कोरोला भी कहा जाता है. ये चार नंबर पे आपको दिख रहे हैं. इसी वजह से फ्लावर पूरे कलरफुल दिखते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं. देन हम लेंगे पेरियंथ. कलेक्टिवली टर्म है सेपल और पेटल्स की अगर ये दोनों सेम हो तो. इसका सिंगल पार्ट को टेपल्स कहते हैं. नेक्स्ट लेते हैं हम स्टेमेन जो कि मेल स्ट्रक्चर है फ्लावर का और फिलामेंट और एंथर का बना होता है. कलेक्टिवली स्टेम को पूरी यूनिट को एंड्रोसियम कहते हैं. पुमंग कहेंगे.
ये लीफ लाइक भी होते हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में, या 8 नंबर में हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं इस तरह से, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसकी हम यहाँ पर बता रहे हैं। फिलामेंट सिलेंडर होता है, स्टॉक सिलेंडर स्टॉक है, स्टेमेन सपोर्ट करता है, और इसके पोलन के एक्सकर्शन को अलाउ करता है। एंथर का जहाँ तक स्ट्रक्चर है, फर्टाइल पोर्शन है स्टेमेन का, ये डहिस होकर पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। पोलन ग्रेन जो है वह एंथर सेक में है, इसको अगर हमें लार्ज करके देखें तो वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से ये एंथर का पोर्शन है। जब हम टीएस देखते हैं तो इस तरह से इसमें ये स्ट्रक्चर रहेंगे, देट आर द पोलन ग्रेन्स। ये फाइनली आगे चलकर जर्मिनेट होंगे और देन फर्टिलाइजेशन का रोल प्ले करेंगे। फ्लावर्स में नेक्टरीज भी पाई जाती हैं, जो कि बेस होता है स्टेमेन का, उसके पास में होती है, और आगे चलकर इन नेक्टरीज की वजह से ही पोलिनेटर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं तथा फ्लावर के आगे जनरेशन बनने में हेल्प मिलती है। यहाँ तक रहा मामला पिस्टिल का, ही फ्लास्क से स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है, 3 मेन पार्ट है, इसको कार्पल कहते हैं, और पूरी यूनिट को हम गाइनोशियम कहते हैं, जो आपको यहाँ पर ग्रीन फॉर्म में ये दिखाई दे रही है, स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, इस तरह से ये इसकी संरचना है। ये इस तरह से ओवेरी इज द बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल दैट कंटेंस ओव्यूल एट मैच्योरिटी बिकम फ्रूट। ओवेरी जो है पिस्टिल का बेसल पोर्शन है, जिसमें कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, ये मैच्योरिटी होने पे फ्रूट बनाते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं फ्रूट्स के। ओव्यूल जो है फर्टाइल पोर्शन ऑफ पिस्टिल है दैट कंटेन ए फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक होता है, ये आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में परिवर्तित होता है। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव पोर्शन है स्टाइल का, जो रिसीव पोलन ग्रेन रिसीव करता है। देन इस तरह से ये स्ट्रक्चर है इसका, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में, ये जैसे एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले, ये जर्मिनेट हुए, ये पोलन ट्यूब बनेगी, फिर ये इस तरह से स्पर्म बनेंगे उसमें, देन पोलन न्यूक्लियस सिनर्जिड्स है, ये अंदर एग सेल है, एंटीपोडल्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी है, इस तरह की इसकी संरचनाएं होती हैं। अगर कार्पल फ्यूज होएंगे तो उसको सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है, और अगर फ्यूज नहीं होंगे तो उस केस में मोनोकार्पिक कहते हैं, या एक एपोकार्पिक भी स्थितियां होती है। ये मोनोकार्पिक का एग्जांपल है, सिंगल कार्पल सिंगल पेटियोल है, और ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये मोनोकार्पिक ओव्यूल का है, और ये वाला एपोकार्पिक स्थिति में है, और इस तरह से ये सिनकार्पस है जिसमें 3 कार्पल्स फ्यूजन है, तो इसे ट्राई कार्पेलरी कहेंगे। ये वाला इस तरह से मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, और इस तरह से ये एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाई दे रहा है। इस वाले में ये पेराइटल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, जो कि इस तरह से प्लेसेंटेशन के हम अलग अलग टाइप्स भी इस तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, पेराइटल, प्रीसेंटल, एक्साइल, बेसल एट्सेट्रा। जहाँ तक फ्लावर की सिमेट्री प्लान का रहे, फ्लावर्स रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, इनको हम एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। इन्हें किसी भी जगह से हम काटें तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से इनको एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। जहाँ तक रहा मामला मटर वगैरह में, तो फ्लावर वहाँ पर जाइगोमॉर्फिक प्रकार के पाए जाते हैं। इस तरह से कार्पल के फ्यूजन के आधार पर सिनकार्पिक पिस्टल नाम दिया गया है, और स्टेमेन के फ्यूजन से स्टेमिनेट ट्यूब बनती है। फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स को डिफरेंट वॉल्स में एडनेशन होता है, और इस तरह से फ्यूजन फ्लोरल पार्ट्स का भी अलग अलग तरह से
ये हम दिखा रहे हैं ओवेरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाएगा, ओवेरी सुपीरियर और फ्लावर पेरीगाइनस का ये डायग्राम है। और इसी तरह से एडनेशन के आधार पर ओवेरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस, ओवेरी सुपीरियर, फ्लावर पेरीगाइनस इस फेज में दिख रहा है, और इधर ओवेरी इन्फीरियर है तो फ्लावर एपिगाइनस यानी कि अपर साइड पर फ्लावर के पार्ट्स पाए जाते हैं। जहाँ तक रहा मामला पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस का, इसमें किस कितनी संख्या में फ्लावर है, कैसे पोजिशनल रिलेशनशिप है, इसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम बताए गए हैं। सिंपल पुष्पक्रम है जिसमें टर्मिनल फ्लावर द टिप ऑफ ए स्टेम, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में दो या दो से अधिक फ्लावर इस इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं, जैसे सनफ्लावर में आपने देखा है। ये रेसिमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, इसी तरह से ये पेनिकल प्रकार का है, ये इस तरह से पेनिकल प्रकार का इसमें दिख रहा है। ये रेसिमोस का डायग्राम आ गया, स्पाइक रेसिमोस में इसमें स्टॉक नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्पाइक टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। स्पाइक यूजुअली एसोसिएटेड विद द कंजेस्टेड रिड्यूस्ड फ्लावर एंड ऑफन बट नॉट ऑलवेज विद विंड पोलिनेशन। ये इस तरह से नेचर में हम देख सकते हैं किस तरह से ये है। देन ये डाइचेजियम यानी कि दो बिसाइड्स दो तरह के प्रकार, ये डाइचेजियम का डायग्राम आप देख सकते हैं जिसको हम आगे डिटेल में लेंगे। जहाँ तक रहा मामला फर्दर स्टडीज़ का, आपने भी ये पढ़ा, फिर हायर क्लासेस में जहाँ आप डिटेल में जाएंगे उस जगह आपको इन दो बुक्स की हेल्प लेनी रहेगी। त्यागी क्षेत्रपाल टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय रमेश बुक डिपोस एंड जी सिंह प्लांट सिस्टमेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑक्सफोर्ड एंड IBS दिल्ली से निकलती हैं, तो इन बुक्स को आगे आप पढ़ सकते हैं।